پیرے کا یہ پریوار اور قبیلہ برسوں تک فرات ندی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور پھر ریگستان میں بھٹک گیا۔ اس کارواں میں سب سے آگے تیرے کا بڑا بیٹا ابرام تھا، اور ابرام سب سے آگے اس لیے تھا کیونکہ زندگی کے لمبے سفر نے تیرے کو تھکا دیا تھا۔ ابرام کی بیوی سارے ساتھ تھی، جسے پورا قبیلہ ماں کہتا تھا، مگر وہ خود بے اولاد تھے۔ تیرے کا دوسرا بیٹا ناہور بھی ساتھ میں تھا اور اس کی بیوی بھی، اور ابرام کا زر خرید غلام ایلیازار بھی ساتھ میں تھا، جو ہمیشہ اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں ہوں نے بابا، تم تو پر میرا ابرام کہاں ہے؟ چھوٹے آقا تو بہت آگے نکل گئے ہیں، دور تک صرف قدموں کے نشان نظر آتے ہیں۔ مجھ سے کہیے بابا، کیا کام؟ کیا سارے کام صرف ابرام کر سکتا ہے، میں نہیں؟ ابرام کا نام آتے ہی اس کے سینے میں طوفانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ڈھونڈ کر لاؤ اپنے چھوٹے آقا کو، اس سے پہلے کہ ہوائیں قدموں کے نشان مٹا دیں۔ جاؤ۔ کون مٹا سکتا ہے اس کے قدموں کے نشان؟ کون مٹا سکتا ہے؟ چھوٹے آقا، بابا تو بابا مجھے بلا رہے ہیں نا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، آگے چلنے کے شوق میں پیچھے والوں کو بھول جانا چاہیے کیا؟ ناہور، آگے چلنے والے اسی لیے آگے چلتے ہیں کہ انہیں پیچھے چلنے والوں کا خیال ہوتا ہے۔ کبھی میں آگے چلتا تھا، اور اب یہ ذمہ داری ابرام کی ہے۔ ابرام تو خاص بیٹا ہے نا۔ تم بھی خاص بیٹے ہو، اور اس کا باپ حیران بھی میرا خاص بیٹا تھا جو اب نہیں رہا۔ تم سب مجھے عزیز ہو بابا۔ ابرام، بابا آپ یہاں کیوں رک گئے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا ہے۔ تم بھی جانتے ہو ابرام، اور تم سے بہتر کون جانتا ہے، میرا سفر تو یہی ختم ہوتا ہے۔ پانی ابرام، پانی۔ ایلیازار، جاؤ پانی لاؤ۔ ان سب سے کہو یہ سب جو ہمارے سائے تلے چلتے ہیں، ان کے اور اس قبیلے کے چرواہے اب تم ہو۔ مجھے جو خدا نے عطا کیا ہے وہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔
अब्राहम, लॉर्ड खेला पड़ जाएगा, तुम कुछ कहोगे? बाबा, आज से लॉर्ड मेरा बेटा है और मैं इसका बाप। पानी लीजिए आका। नहीं बाबा, नहीं, आपकी आंखें ऐसे बंद नहीं होंगी। नहीं, पानी मैं लाऊंगा, मैं पानी लाऊंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम खाना बदोशों की तरह कब तक भटकते रहेंगे और क्यों। खुदा ने हमें हारान की जन्नत तक पहुंचा ही दिया है, तो आप यहां से क्यों वापस जाएं? यहां क्या नहीं है? हरियाली है, पानी है, अंजीर के, जैतून के, खजूर के और बादाम के पेड़ हैं। मेरे दिल से मेरे खुदा की आवाज आती है कि हमें अभी और आगे जाना है। चलो। कहां, क्यों? हारान की यह जमीन तो इसलिए भी मुकद्दस है क्योंकि हमारा बाप इसी जमीन में अबदी नींद सो गया है। हमें कहीं ना कहीं बसना है अब्राहम, घर बनाना ही है, तो यहां क्यों नहीं? आप खुद ही पूछ लीजिए कि आपके साथ कौन जाना चाहता है, कौन जाएगा आपके साथ इस लगोदक रेगिस्तान में। सवाल यह नहीं कि मेरे साथ कौन जाएगा या मेरे पीछे कौन रहेगा, सवाल यह है कि आने वालों को मुझे खुदा के बताए हुए रास्ते पर ले जाना है और मंजिल तक पहुंचाना है। तो पहुंचा लीजिए, मैं या और कोई भी आपके साथ जाने को तैयार नहीं। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। चिराग सिर्फ आंखों वालों को रास्ता बताता है। सारे सारे, तुम ही समझा अब्राहम को ये किस ख्वाब के पीछे भाग रहे हैं। एलियाजर, एलियाजर, लॉर्ड बेटे, तुम क्यों जाना चाहते इस दो जखीरे रेगिस्तान में जहां मौत की गर्म और तुंध हवाएं हमारा इंतजार कर रही हैं? तुम यहीं रुक जाओ। बैतूल है, मैं हूं, तुम्हारी छोटी अम्मी है, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम यहीं रुक जाओ, तुम हमारे साथ रहो बेटे।
चलो सामान उठाओ, चलो सामान उठाओ, चलो 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 तो ऊपर सामान जिंदगी ने एक सबक हमको दिया है यही बैठ रहना मौत है चलते रहना जिंदगी चलते ये लो अम्मी, पानी लेके आया हूँ। ये लॉट कितनी जल्दी बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, ये बड़ा होता जा रहा है और हम बूढ़े होते जा रहे हैं। अरे बदमाश, सीधे खड़े हो। क्या कर रहे हो? ये लो। लगी तो नहीं। नखलिस्तान है, नखलिस्तान है, पड़ाव डालो, पड़ाव डालो। आना, मीठी खजूरें और ठंडा पानी लाओ। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। खूबसूरत है ना? बेशक। मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैं भी तो इसी की बात कर रहा हूँ। पर वो भी खूबसूरत है। Oh,
मुझे भी पानी पिलाओ, मेरा गला बहुत खुश हो रहा है। मुझे पानी पिलाओ, मुझे भी पिलाओ। ला ला भर लो, मशके भी भर लो। पानी ठंडा भी है और मीठा भी। अरे इन भेड़ों को हमारी बकरियों के पास किसने आने दिया? हट 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 लाट की भेड़े, हट हट। तूने मेरी भेड़ों को क्यों मारा? अरे ज्यादा बोलेगा तो अरे तेरी ये हिम्मत के मुझ पर हाथ उठाता है। अरे क्या कर लेगा तू मेरा? बोल तो भाड़ी का गुलाम, क्या कर लेगा मेरा? अरे मेरे आका को पता चल गया तुझे निकाल कर बाहर कर देंगे। मेरे फर्ज के बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये जमीन तेरे बाप की है। ये बकरियाँ मेरे आका की है। हाँ तो तेरे आका की बकरियाँ सारी घास चरेंगी और मेरी भेड़ें भूखों मरेंगी। तो आप भी खाइए और अपनी भेड़ों को भी खिलाइए। देखा आप सबने क्या हुआ? बाबा के नाम पे ये क्या क्या कर रहा है? क्या हुआ लॉट? इस भिश्ती का बहुत दिमाग खराब हो गया है और ये सब आपकी वजह से हुआ। आप किसी से कुछ कहते ही नहीं। ये हमारी भेड़े पहाड़ के नीचे हाँक रहा था। मैं कहता हूँ उसे भेड़े। तुम कुछ मत कहो लॉट, मेरे साथ आओ। देखो अपने चारों तरफ, देखो खुदा ने हमें कितनी जमीन अता की है। इंसान इंसान से जमीन के लिए लड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती। और फिर यूं भी जमीन तो खुदा की है। दरअसल हुआ क्या है कि हमारी दौलत पड़ गई है। दौलत यानी भेड़ बकरियां, ऊंट घोड़े। मेरी भी दौलत बढ़ गई है और तुम्हारी भी। और दौलत बढ़ जाने पर मालिक से ज्यादा नौकर मकरूर हो जाते हैं। अब मेरा गुलाम तुम्हारा कहा ना माने या तुम्हारा गुलाम मेरा कहा ना माने, यह कोई अच्छी बात नहीं। और फिर गुलामों की वजह से हम दोनों आपस में लड़ जाएं, यह तो बहुत बड़ी नासमझी होगी। लिहाजा मैंने एक तरकीब सोची है। क्या? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपने कबीले और खानदान की देखभाल कर सकते हो। इसलिए बेहतर यह होगा कि अब हम दोनों अलग हो जाएं। यानी ये गुलाम की वजह से आप मुझे अपने आप से अलग कर रहे हैं? तुम गलत समझ रहे हो लॉट। नहीं, मैं जो समझ रहा हूं वही मुझे समझने दीजिए। मुझे अलग होने में कोई एतराज नहीं, आखिर हूं तो मैं सौतेला बेटा ही। तुम खामखा नाराज हो रहे हो लॉट। तुम नहीं जानते कि सारे और मैं तुम्हें कितना चाहते हैं। नहीं, बेकार की हमदर्दी मत दिखाइए वरना मैं रो पड़ूंगा। आप चुन लीजिए आपको जो भी इलाका चुनना हो, मैं उस इलाके से दूसरी तरफ चला जाऊंगा। मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए यह हक तुम्हें मैं देता हूं कि तुम अपनी पसंद की जमीन चुन लो। अगर तुम दाईं तरफ की जमीन पसंद करोगे तो मैं बाईं तरफ चला जाऊंगा, और अगर तुम बाईं तरफ की जमीन पसंद करोगे तो मैं दाईं तरफ चला जाऊंगा। देख लो तुम्हें कौन सी जमीन पसंद है। मैं यर्दन का दरिया और यर्दन की वादी पसंद करता हूं। मुझे मंजूर है और मुझे खुशी है कि तुमने अच्छी जमीन पसंद की है। पर सुनो, वहां से कुछ दूरी पर सदोम और गमोरा शहर है। वहां दौलत तो बहुत है, ताजिर भी आते हैं और बहुत तिजारत होती है, मगर वहां मक्कारी और बदकारी भी बहुत है। वहां कभी नहीं जाना। मैं आपकी नसीहत याद रखने की कोशिश करूंगा। हाथ में था तेरा हाथ, यादों की दिल में बरात।
आंसू जुदा, फूल से खुशबू जुदा, मुझसे हुआ तू जुदा। लौट चला गया, सच पूछूं तो जीने का मतलब ही चला गया। उनकी तकदीर में हमारे साथ होना नहीं लिखा था, और हमारी तकदीर में यकीनन खुदा के रास्ते पर चलना लिखा है। कब तक चलते रहेंगे? जब तक चलाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब वो कहेगा बस अब्राम तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो, तब तक हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। राह कठिन है बहुत और है मंजिल भी दूर, राह कठिन है बहुत और है है इस जगह पर, मेरा खुदा मेरे दिल में कह रहा है कि यही वो जगह है जहां हमने पहुंचना था। सलेम सलेम, जिंदगी का नगमा यहां से शुरू होता है। देखो अपने चारों तरफ, देखो ये जमीन जहां तक देख सकते हो हमारी है, तुम्हारी है, हम सब की है। हमारे ख्वाबों की जमीन, मंजिल आ गई बेटे, घर बनेंगे घर। खाना बदोशी खत्म हुई, भूल जाओ अपने सफर की थकान, नाचो गाओ जश्न मनाओ, खेमे लगाओ और बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ। बेताब है ये जमीन अपने खजाने लुटाने के लिए, हमें खुशहाल बनाने के लिए। सींचे इसे अपनी मेहनत के पसीने से और देखो क्या फसलें लहलाएंगी। और हमारा खुदा उन पर अपनी रहमत का बादल बरसाए जो हमारे रफीक हों, और जो हमारे रकीब हों उन्हें एक बूंद पानी को भी तरसाए। सलेम सलेम, दुआ करो कि ये जमीन जन्नत कहलाए, दुआ करो कि ये जमीन हमारी आने वाली नस्लों की हो जाए। सलेम सलेम सलेम। ऊंटों पर से सामान उतार लो। अभी
मैं भी पानी भर के ले आई। अम्मी मैं भी पानी ले आई। ऊंट एक कतार में खड़े करो और भेड़े दूसरी तरफ खड़ी करो। अब्राम, कबीले के हर खानदान की आने वाली नस्लें होंगी, हमारा क्या होगा? काश मैं तुम्हारी गोद में एक मुस्कुराता हुआ बच्चा डाल सकती। रोने से क्या होगा? जानती हूं, आंसुओं की बारिश से बंजर कोख हरी भरी नहीं होगी। दिल का बोझ तो कम होगा। खाना तैयार है आका? सारे अपने दिल का बोझ कम कर रही है, कर लेने दो। बड़ी आपा, दिल का बोझ हल्का करने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? ये ठीक कह गई है। मालकिन से औलाद न हो तो मालिक खादिमा से औलाद हासिल कर सकता है। मुझे हेगार से तुम्हारा बच्चा चाहिए, इस तरह मैं मां बन सकती हूँ। आज सारे बेफिक्र होकर सो सकेगी। इंसानी जिंदगी की खुशियां नगमे नोहे, रिश्ते शादियां, पैदाइश मौत, यहां तक कि पूरी कायनात एक तरफ और तेरा हुक्म दूसरी तरफ। मैं सिर्फ तेरे हुक्म पर चला और अकेला चला। भीड़ थी पर मैं अकेला ही था। क्या तू मुझे बताएगा नहीं कि मैं ठीक चला या नहीं, ठीक रुका या नहीं? और अगर ठीक चला और ठीक रुका तो अब क्या? अब क्या मेरे खुदा, अब क्या? अब्राम, तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। ये जमीन तुम्हारी है और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी रहेगी। अपने चारों तरफ देखो, सर उठाकर ऊपर देखो। आसमान में जितने सितारे हैं और रेगिस्तान में जितने जर्रे हैं, इतनी तुम्हारी उम्मत और नस्लें होंगी। और आज से तुम अब्राम यानी ऊंचा बाप के नाम से नहीं, बल्कि अब्राहम यानी बहुतों का बाप के नाम से जाने जाओगे। और सारे, जिसका मतलब शहजादी होता है, आज से सारा के नाम से जानी जाएगी, यानी बहुत सी कौमों की आदिमा। मुल्क कनान, जिसमें तुम परदेसी बनकर आए हो, ये तुम्हारा होगा। तुम्हारे साथ और तुम्हारी आने वाली नस्लों के साथ ये मेरा अहद है। और अहद की निशानी के तौर पर मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल करता हूं। Thank you.
सारा, सारा, खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। यकीनन वो दिलों का हाल जानता है। उसने कहा कि मैं बाप बनूंगा और तुम मां। जिंदगी की शुरुआत तो अब होगी। तुम खुश नहीं हुई या खुशी छुपाने की कोशिश कर रही हो? कितना खुश नसीब होगा वो दिन जब मैं तुम्हारी गोद में एक बच्चा देखूंगा। तुम्हारा हक इस बिस्तर पर कैसे हुआ? सारा, ये हक मैंने इसे दिया है। ये मेरी खादिमा है हिगार। जो औलाद मुझसे नहीं होगी इससे होगी और मैं मां कहलाऊंगी और ये खानदान चलेगा। यही रवायत है, क्या मुझे बताना पड़ेगा? मुझे रवायत की परवाह नहीं, मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूं। शायद इतने लंबे सफर में तुम्हें। हाँ मैं पागल हो गई हूं। हर वो औरत पागल हो जाएगी जो मां नहीं बनेगी। मैं फल देने वाला पेड़ तो नहीं बन सकती, मेरी कोख बंद है, लेकिन मैं छाव देने वाला पेड़ तो बन सकती हूं ना। बच्चे में मेरे ना कुछ नहीं पर तुम्हारे तो होंगे। लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े कंधे, हिगार मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा देगी। बच्चे की बाप तुम होगी और मैं मां। ये हो जाने दो अब्राहम, नहीं तो इस पूरे कबीले का मालिक वो दमिश्क का रहने वाला बिश्ती इलियाजार बन जाएगा। मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, मुझे वो बच्चा चाहिए जो मैं अपना कह सकूं। बीज बड़ी चीज है या जमीन, बता सकती हो? हाँ? खादिमा का फर्ज निभा रही हो? नहीं, लेकिन इतना जानती हूं कि किसी बड़े मकसद का जरिया बनने जा रही हूं और अगर कामयाब हो गई तो खादिमा की इज्जत बढ़ जाएगी। मर्द के छूने पर खादिमा खादिमा नहीं रहती, औरत बन जाती है। मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। आग में लोहा और रांगा एक साथ गलाकर हमने लचकदार हथियार बनाने सीख लिए हैं। बिल्कुल, और ये सनत सिर्फ हम अमूरी लोग ही जानते हैं। इसीलिए तो हम आपको सिखाने आए हैं इलियाजार। अशकोल, आनेर, ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ेगा कि तुम अमूरी हथियार कमाल के बनाते हो। कमाल के तो ठीक है, मगर ना चाहते हुए क्यों? इसलिए कि तुम हथियार बनाना जानते हो और हम हथियार चलाना। खुदा मदद। कौन है तू? दुश्मन है। कौन है? अरे मालिक घर पे आया, काफी चोट लगी है। ये तो निमोक है, लॉर्ड का गुलाम। पाने, क्या हुआ निमोक?
लौट को उठा कर ले गए। वो मुसीबत में है, उसे ले गए हैं गुलाम बनाकर। बड़े आका, क्या हुआ निमो? जंग हुई थी बादशाहों में, अमोरा की फौज ने सदोम शहर को लूटा और वहां लौट का कबीला भी उनकी सद में आ गया और वो लौट को गुलाम बनाकर छोटे आका का पूरा खानदान उनकी कैद में है। बस काफी कह चुके तुम, तलवारें बांधो, ऊंट तैयार करो और कूच का नक्कारा बजाओ। अब्राहम उन लुटेरों पर हमला करेगा, तैयार हो जाओ। ये दुश्मनों का ठिकाना है और दुश्मन पर तीन तरफ से हमला होगा। एलियाजार बहादुरों के तीसरे हिस्से के साथ दाएं तरफ से चढ़ाई करेगा। निमोह इतने ही दिलेरों के साथ बाएं तरफ से आएगा और मैं बाकी जांबाजों के साथ सामने से धावा बोलूंगा। कोई सवाल? बड़े आका, उनकी तादाद 1000 से भी ज्यादा है। 1000? मगर आका, हमारी तादाद तो 318 है। एलियाजार, जंग सिपाहियों की गिनती से नहीं, सिपाहियों के हौसले से लड़ी जाती है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि 300 सिपाही 3000 कैसे बनते हैं। हमला करने से पहले हर सिपाही शोर मचाएगा, ढोल बजाएगा और नरसिंहा फूकेगा और हर सिपाही के हाथ में 10-10 मशाले होंगी ताकि लश्कर हजारों का नजर आए, क्योंकि यह हमला रात के वक्त होगा। हुजूर, हम अमोरी आपके खिदमत में हथियार बनाने का हुनर सिखाने आए थे, क्या हमें जंग में चलने की इजाजत है? हिस्सा माले गनीमत में से चाहे मत दीजिएगा। हिस्सा सिर्फ आप लोगों को मिलेगा। मगर आका, हमला तो चारों तरफ से होना चाहिए, फिर ये पीछे की तरफ खुली क्यों छोड़ दी? उन्हें भाग जाने का रास्ता देने के लिए। Thank you.
करो। यकीन था अब आएंगे। बाबा बाबा आपने हमें बचा लिया। बाबा खामोश, क्या ही सवारी यहीं उतरेगी। अब्राहम की खैर हो। सदोम का बादशाह अब्राहम का अपने इलाके में इस्तकबाल करता है। हम शुक्रगुजार हैं अब्राहम के कि आपने सदोम के दुश्मनों को शिकस्त दी और भगा दिया। ये सब हमने अपने बेटे लॉट के लिए किया है। लेकिन आपने भला तो हमारा भी किया है। खुदा अब्राहम को बरकत दे। शुक्राने में हमारी तरफ से ये तोहफे कबूल फरमाए, हम मशकूर होंगे। इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी। हम कुछ भी नहीं ले सकते, हमें देने वाला हमारा खुदा है। हाँ, इन अमोरियों को माले गनीमत का दसवां हिस्सा जरूर मिलेगा। शायद इसी लालच में वो यहां आए। बाकी सारा माले गनीमत आपका है और जंगी कैदी भी। पर हम चाहते हैं ये सब आप रखें। एक धागा भी नहीं, जूते का एक तस्मा भी नहीं। अब्राहम कुछ नहीं लेगा ताकि कल कोई यह न कह सके कि उसने अब्राहम को दौलतमंद बनाया है। अब्राहम के लिए उसका खुदा काफी है। आपकी अजमत के किस्से हमने बहुत सुने थे, मगर आज खुद देख भी लिया। खुशकिस्मत हूं कि आपसे मुलाकात हुई। हमारा बेटा लॉट
शायद सदाम लौट जाए, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। लॉर्ड की तरफ से आप बेफिक्र रहें, लॉर्ड हमारे साथ ही जाएगा। कोई खबर नहीं, इतने सारे लोग गए, जंग से कोई भी लौटा नहीं। क्यों जंग जीतने का शोर सुनाई नहीं देता? कोई आवाज नहीं, हवा तक भी खामोश है। हमारे आदमी भी इतने कम थे। कितने ही बहादुर हो पर मुट्ठी भर लोग क्या? बहुत घबराहट हो रही है आपा। मैं समझती हूँ, तुम्हें उन्हीं का इंतजार है ना? अपना राज मुझे बता सकती हो? कोई अच्छी खबर है क्या? काश कि हम भी उनके साथ जा पाते, पर ऐसा दस्तूर नहीं है ना। एगार, बेकार में फिक्र मत करो, मैं साफ देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि वो जंग से कामयाब लौट रहे हैं। परसों का मेरा तजुर्बा है कि वो जहां कहीं भी जाते हैं, अपनी सोच में मैं भी उनके साथ जाती हूं। और मुझे खुशी है कि मेरे इस सफर में अब तुम भी शामिल हो। तुमने मुझे बहुत बड़ी राहत दी है हेगार, बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत अच्छी हो। जानती हो तुमसे मैं कितना प्यार करने लगी हूं? वो लौट आए, अब्राहम आ गया। अब्राहम की कामयाब वापसी का सारा बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। लॉट कैसा है और उसकी बेटियां, वो नहीं आए? लॉट नहीं आ सका क्योंकि उसे अपने बिखरे हुए कबीले को फिर से जमा करना था, पर वो जल्दी ही आ जाएगा। मुझे आने की जल्दी थी, तुम्हारी फिक्र थी। और वो कहां? एगार, यही है। नहीं आई, आती ही होगी। कोई खबर? नहीं, अभी तक नहीं। उस खबर के लिए मैं आपसे भी ज्यादा बेताब हूं। माफी चाहती हूं, मैं आपा की तरह भागते हुए नहीं आ सकी। ये तो खुद को लेकर आई हैं, मुझे किसी और को भी लेकर आना था। आपका बीज जो मेरे पेट में है, उसकी हिफाजत अब मेरे लिए बहुत जरूरी है।
हमारा बेटा, अब्राहम का बेटा, सारा का बेटा इश्माइल। खुदा ने हमारी फरियाद सुनी। इश्माइल का मतलब है खुदा ने सुना। इश्माइल, इश्माइल, अब्राहम, तुम इसके बाप हो। हेगार ने इसे पैदा किया है, लेकिन इसके पैदा होने की सारी तकलीफें सारा ने सही है, ये कोई भूले नहीं। माँ बनने के बाद हेगार आपा को ये सब नहीं करना चाहिए। तो क्या करे, इनका काम तो बड़ी आपा कर रही है। रो रहा है इश्माइल, रो रहा है। पहले भी आ सकती थी, इसे इतना रुलाने की क्या जरूरत थी? ये मासूम तो नहीं जानता, पर आप तो जानती हैं कि इसकी माँ कौन है। इसके लिए रो रहा था ये, और ये आप तो दे नहीं सकती। माँ का छूना, माँ की खुशबू, माँ की गोद, बच्चा बोल तो नहीं सकता मगर पहचानता सब है। जो आप दे नहीं सकती उसे आप देने की कोशिश क्यों करती हैं? आप इसे रुलाया मत कीजिए। देख 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 अहिरा, इस्माइल का रोना बंद हो गया। ले 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 जो में आताई यानी देने का दिन, आपके हाथ में खुदा ने वो बरकत बख्शी है कि जो हमने पिछली बार लिया था वो अभी खत्म नहीं हुआ कि आपका फिर देने का दिन आ गया। देता खुदा है, पैदा तुम करते हो, अब्राहम तो सिर्फ बांटता है। बेतेल की हबला, कसलूम की बेवा, अब्राहम वो चिराग है जिसकी रोशनी में हम चलते हैं, और वो ठंडी छांव है जिसके तले हम जीते हैं। हेगे, इश्माइल,
बेटा बाप से कुछ मांगने आया है। क्या बात है बेटे, तुम्हें भी कुछ अनाज चाहिए? यूं क्यों खड़े हो? इधर आ बेटे, तुम्हारी मां कहां है? इश्माइल की तरफ से माफी मैं मांगती हूं। इसे ना अनाज चाहिए ना मौसम का हिस्सा, इसे अपना हक चाहिए, अपना पैदाइशी हक। देंगे? क्यों नहीं देंगे, मांगे। इसकी तरफ से मैं मांगती हूं, इसके सर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि आपके बाद ये सरदार होगा, आपके बाद ये कबीला इसका होगा। मेरे बाद ना, मेरे पहले क्यों? आप तो कभी भी दे सकते हैं, पर हमारा तो मांगने का दिन यही है ना। 12 साल का हो गया है, इसकी झोली में अब सरदारी डाल ही दीजिए। मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं एतराज करूंगी क्या? ये किस बिना पर एतराज करेंगी? इनका बेटा होता तो ये मांगती, पर नहीं है, मेरा है तो मैं मांग रही हूँ। तुमने भी यही दिन चुनना था क्या? इस दिन में क्या खराबी है, सब है, सारा कबीला है। आज ये ऐलान कर ही दीजिए कि इश्माइल आपका वारिस है। इश्माइल तैयार है? ये तैयार है, पर हो सकता है कि मैं नहीं। क्यों नहीं, कोई और उम्मीद है? बंजर जमीन से पेड़ उगेगा और आप फल पालेंगे। हैगर, कहिए कि विरासत इश्माइल की ही है, और है कौन? इनकी सूनी गोद का लाडला भी तो यही है ना। ये हमारी रवायत में है सरा, कि तोहफा दिया जाता है, दुआ दी जाती है, छीनी नहीं जाती, मांगी नहीं जाती। तुम फिक्र क्यों करती हो? अब्राहम का कबीला बढ़ता रहे, अब्राहम का खानदान चलता रहे, इसीलिए मैंने अब्राहम को अपने शौहर को भी दो हिस्सों में बांट लिया। मेरी अच्छाई क्या मेरे सीने का नसूर बन जाएगी? हाँ मैं बच्चा नहीं दे सकी, हाँ मैं बांझी हूँ, मैं बंजर हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तू मेरे जरिए नहाया और अब तो उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद है सारा, तुम मां जरूर बनोगी। कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती हैं, मैं तो इस झूठ पर भी यकीन कर सकती हूं। तुम्हारे लिए हम पैगाम लाए हैं, अब्राहम का बीज तुम्हारी कोख में पलेगा।
मैं माँ अब्राहम के घर फरिश्ते आए हैं। सारा हंसती है, सारा खुदा की मर्जी पर हंसती है। मेरी मजाल जो मैं खुदा की मर्जी पर शक करूं? सारा हंसी है और हम उससे पूछना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज है जो खुदा के लिए मुमकिन नहीं? फिर तुम खुदा की मर्जी पर हंसी क्यों? नादान है। मैं हंसी नहीं। खुदा में तुम्हारा यकीन है इसलिए अपनी हंसी से मुनकिर होती हो, इसीलिए आसमान में जितने सितारे हैं उतनी ही तुम्हारी आल औलाद होगी और रेगिस्तान में जितने जर्रे हैं उतनी भी। खुदा आया है मेहमान बनकर मेरे घर चले, मुझे अपने पांव धोने दे। अब हम सदोम और गोमराह जाएंगे इन जुड़वां शहरों को तबाह करने के लिए। बेईमानी, मक्कारी, अय्याशी और जुल्म के इन शहरों की यह चीखो पुकार आसमान तक पहुंच चुकी है। वहां तो लौट है हमारा बेटा, बुराई के साथ अच्छाई भी मारी जाएगी क्या? अगर वहां 50 अच्छे आदमी भी हुए तो क्या 50,000 बुरे लोगों के साथ वो भी मारे जाएंगे? अगर वहां 50 भले आदमी भी होंगे तो हम उन शहरों को तबाह नहीं करेंगे। और अगर 50 में 5 कम हुए तो भी नहीं। अब्राहम खाक से बना है, भूल भी कर सकता है, लेकिन अगर वहां सिर्फ 40 भले लोग हुए तो भी हम उन शहरों को बख्श देंगे। और अगर 30 हुए तो भी उन शहरों को तबाह नहीं करेंगे। और अगर 20 हुए तो भी शहर बख्श दिए जाएंगे। या खुदा, तू बहुत बख्शने वाला है, पर मैं पूछता हूं कि अगर सिर्फ 10 हुए तो क्या? तो भी शहर तबाह नहीं होंगे, बख्श दिए जाएंगे। पानी लिया कि नहीं? मैंने ले लिया है, जल्दी करो। हाँ,
ये तो मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ है। मेरी मुस्कुराहट इसके होठों पे है और ये मेरी मुस्कुराहट है। इसाक, इसका नाम इसाक होगा यानी मुस्कुराहट। इसाक। इसाक, 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 इस्माइल, वो तुम्हारा काम नहीं। क्यों? सारी सरदारी क्या इसाक ही को मिलेगी? इस्माइल को कुछ भी नहीं मिलेगा? छीनने की कोशिश करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हक मिलता नहीं तो छीनना ही पड़ता है, और अपना हक हम छोड़ेंगे नहीं। इसके सारे हक मेरे दिए हुए थे और वो सारे हक मैं वापस लेती हूँ। अब्राहम, ये औरत हमारे साथ रहने काबिल नहीं। सारा, जश्न जारी रहे। सारा, इस्माइल मेरा भी बेटा है।
आपका बेटा है, इसीलिए तो इसाक की बराबरी करेगा। जो कुल्हाड़ी वार करने के लिए उठाई जा सकती है वो मारी भी जा सकती है। अब्राहम, अब्राहम सारा ठीक कहती है, वो जो कहती है वही करो, क्योंकि तुम्हारी नस्लें सारा के बेटे से ही जन्म लेंगी। और तुम हेगार और इश्माइल की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हारे बेटे इश्माइल से भी एक बड़ी कौम पैदा करेगा। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम बेटा,